गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बच रहे हैं सुबह के 6, मैं उठ गई थी 5:30 बजे। इतनी जल्दी इसलिए उठी क्योंकि मुझे जाना है जिम। मैंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है और आज मेरा है 5th डे। तो 4 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन किया है वो मैं आपको जिम से आने के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे जिम के लिए निकलना है। तो मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जिम जाने से पहले मुझे खाना है 1 बनाना और 1 एप्पल। एप्पल है नहीं, बनाना है, घर पे पड़ा हुआ, तो फिर मैं बनाना खा के जा रही हूँ। वैसे इतनी सुबह सुबह कुछ खाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन बनाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि वर्कआउट करना है। तो उससे पहले कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। Hey guys, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं निकलती हूँ फटाफट से जिम के लिए। जिम हो गया गाइस, डन, अब निकल रही हूँ मैं घर के लिए। Hey guys, finally जिम करके आ गई हूँ मैं घर वापस। और दीदी है बिल्कुल कमाल की, क्योंकि लाइट जल नहीं रही थी तो दीदी ने बोला जल जाएगी, उसको जल रहने दो, तो उसको जला के छोड़ दे बस। तो मैंने वैसे ही किया और लाइट ने दीदी की बात सुन ली। यू आर अमेजिंग, टू गुड पर्सन। माता रानी को कर लेते हैं प्रणाम। जय माता रानी की। दीदी ने आते से ही मुझे बता दिया है कुछ काम, अब मैं जा रही हूँ बाहर दोबारा से अपना काम फिनिश करने के लिए। गाइस, मैं आई थी एटीएम में पैसे निकालने के लिए और ये देखो ये निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं किसका कार्ड है। और मैं यहाँ से पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगी, निकल ही नहीं रहा। यार कि कार्ड ही वाट कर दिया और दूसरा वाला एटीएम भी बंद है। कहानी बताती हूँ तुम्हें, पैसे निकले ही नहीं। मतलब क्यों नहीं निकले पूछो? इसलिए नहीं निकले क्योंकि किसी ने पैसे निकाले होंगे और पैसे निकालते टाइम कार्ड वहीं भूल नहीं गया, वो अटका हुआ है। मैंने बहुत निकालने की कोशिश की, वो निकल ही नहीं रहा। और बगल वाला जो एटीएम था वो भी बंद था। आगे जाके आते आगे ना भूल डाली वो तो बहुत आगे। फिर मैं स्कूटी भी लेके नहीं गई थी ना, ले जाओ ना। तो अब वो चलते हैं ना, इधर से निकाल के ले चलेंगे। इधर से दिया या वो अटक गया? अटका ऐसे है कि वो वहीं टूटा भी हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। वो मैंने बहुत कोशिश की, निकल ही नहीं रहा। देखा भी दिखाती हूँ तुझे क्लिप में। टूटा हुआ है, अरे इसीलिए वो भाग गया। वो भाग गया था, गुलाब टूट गया था, टूट गया। नहीं तो मुझे लगा कोई भूल गया। Hey guys, तो मैं आई हूँ अब दूसरे एटीएम में पैसे निकालने के लिए और यहाँ पे होपफुली थैंकफुली पैसे निकल रहे हैं। Hey guys, तो हम आए हैं गुल्लू की फीस सबमिट कराने के लिए उसके स्कूल में और दिल चल रही है आगे आगे, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। ये गुल्लू का स्कूल, यहाँ पे खेलते हैं बास्केटबॉल, ये रहा। और इसके पल्ली तरफ है प्लेग्राउंड। स्कूल में अभी वैसे कोई नहीं है क्योंकि फीस सबमिट करानी थी। वैसे तो समर वेकेशन चल रहे हैं लेकिन फीस तो सबमिट करानी होती है ना, तो फीस सबमिट कराने आए हैं। दीदी लाइन में लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, उधर क्या हुआ? 2-4 दिन पहले कितना अच्छा मौसम था, एकदम से बढ़ गया। 2 या 4? 4। ठीक है, मुझे जिम से आने के बाद दीदी मुझे फटाफट से उठा के ले आई है स्कूल में। चीटी चढ़ रही है हाथ पे। से आई थी दीदी ने बोला चलो फटाफट से पहले स्कूल में फीस सबमिट करवा के आते हैं, तो हम लोग फीस सबमिट करवाने आ गए हैं। बस अब फिर चलते हैं वापस, ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि खाली है, स्कूल में कोई भी नहीं है। तो दीदी फटाफट फीस सबमिट करा लेगी, फिर हम निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे कैमराज भी लगे हैं देखो, बच्चों की सेफ्टी के लिए। दीदी अपनी तिजोरी में सामान रख रही है। तुम चला रहे? चलाओ, तुम चला रहे हो नहीं, तुम चलाओ। मैं तो चलाती रहती हूँ जिम से आते और जाते टाइम। नाउ इट्स योर टर्न। गुड गुड, वेरी गुड। 40 में आ गई क्या? 40 लग गई। स्टार्ट करो ना, ऐसे घुमा लेना। इनके तो स्कूल चल रहे हैं पीछे की साइड, क्योंकि आवाज आ रही है ना पीछे से। चल ढूंढू, डर 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 डर। गाइस, गुल्लू की फीस सबमिट करवा के आ गए हैं हम घर, और जब तक मैं बैठ नहीं रही हूँ तब तक दीदी मुझे दूसरा काम बता रही है। तो अब बताया दीदी ने, अब किस चीज के लिए जाना है? मिल्क।
अब लेके आना है मिल्क और एग, तो मैं जाती हूँ फिर से मिल्क और एग के लिए। अभी तक देखो 9 बज गए हैं, ना तो मैं फ्रेश हूँ। एग इसके लिए क्योंकि ये जिम जा रही है ना, मैं तो खाती नहीं, मैं तो जा रही हूँ। जब खाओगे ना नेक्स्ट व्लॉग में तभी उसी टाइम कैप्चर करूंगी। तो अब मैं जा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे जो डाइट चार्ट दिया है उसमें एग जो है वो ऐड करना है अपनी मील में, तो मैं एग लेके आती हूँ और दूध भी लेके आती हूँ। ये लो बचे हुए पैसे, 10 रुपए कम नहीं है, पूरे आए हैं। ये आ गए गाइस मिल्क और एग। तो आज कुल मिला के इतना वर्कआउट मैंने जिम में नहीं किया जितना मुझे दीदी ने करा दिया सुबह से, इधर जाओ उधर जाओ ये करो वो करो। 9 बज गए अभी तक मैं लाई भी नहीं हूँ, फ्री में, एकदम फ्री में, फ्री में। और जो मेरी इतनी मेहनत लग रही है वो बहन, तू 4 अंडे खाएगी? नहीं 2 खाऊंगी। तू कैसे, नमक क्यों डाल दिया इसमें? 4 रखे भाई तूने, 4 नहीं, 4 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए नहीं है, 2 मैं खाती ना। गैस ही नहीं जल रही भाई, यहाँ पे हो रहे हैं एग बॉईल। तो गाइस मैं खा रही हूँ यहाँ पे मोस्टली दूध के साथ मिला के, और एग अभी बॉईल हो रहे हैं तो बॉईल हो जाएंगे फिर खाती हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गई हूँ अब, मुझे यहाँ का थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है, मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी वीडियो अब से यही शूट करनी है। तो मैं यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, इस जगह को साफ सुथरा बना देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मोस्टली वीडियोज़ मैं अपनी यहीं पे ही क्रिएट करूँगी, तो ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो टाइप है, तो ये काम होगा वो करूँगी क्योंकि मुझे अभी ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे होगा। कहते हैं ना छोटे छोटे स्टेप लेके ही तुम एवरेस्ट तक पहुँचते हो, तो बस देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और कैसा रहता है, जो मैंने सोचा है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, नहीं होगा बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि ट्राई करना इज़ अ गुड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप फेल भी नहीं हो पाओगे और पास भी नहीं हो पाओगे, और फेल और पास तो जस्ट अ थिंग, मतलब अगर पास होते तो फेल भी होते हैं, और फेल से मुझे लगता है कि फेल हम कभी होते ही नहीं है। एक्चुअली फेल जो होता है वो एक लर्निंग होती है, फेल होने के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो यस इट जस्ट अ लर्निंग। तो ये रहा मेरा झाड़ू, मैं हो गई हूँ बिल्कुल गेट सेट। देखो यार यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है वीडियो बनाने में, पता है, मतलब ब्लॉग जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है बनाना, क्योंकि कभी शोर आ रहा है कभी कुछ आ रहा है हर चीज़ में। अब जो माइंड में तुम्हारी चीज़ होती है, तुम्हें ये बोलना है वो बोलना है, वो भी तुम भूल जाते हो एक टाइम पे क्योंकि ये शोर आता रहता है, बट उनका भी काम है, वो क्या ही कर सकते हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो इट्स ओके। मैंने उठा लिया अपना झाड़ू और लगती हूँ सफाई में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, मैं इस चेयर और इस चेयर में कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इसको, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैं इसको यहाँ रखूँ और इसको इधर रख दूँ, तो देखते हैं। गर्मी में सफाई करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, तो फिलहाल मैंने जो चेयर थी वो इस साइड शिफ्ट कर दी है, ये वाली इस साइड रख दी है और ये वाली इस साइड रख दी है। ये वाली साइड इसलिए रखी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा इसी साइड बैठूँगी, तो यहाँ पे ऊंची चेयर रख के काम करना सही रहेगा। ये गाइस तो ये है मेरा पार्सल जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने बेसिकली अमेजोन से 2 चीज़ मंगाई थी, एक है ये, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, और दूसरा है ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मंगाया है, ये मोस्टली जो कि बेकरीज की है, और मुझे ये ब्रेकफास्ट में खाना बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर कई तरह के फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं, मतलब जो हम डेली बेसिस पे नहीं खा सकते ना उस तरह के फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं। ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत सही होता है क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है, फैट फ्री होता है। और कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते और आपको लाइट लाइट खाने का मन है तो आप ये ले सकते हो मोस्टली, जो कि बहुत ही लाइट है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं इसमें दिखाती हूँ कितनी तरह के फ्रूट होते हैं।
सी यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है ना, तो इसमें 9 तरह के फ्रूट्स होते हैं। देखो मैंगोज होते हैं, बनाना, पपाया, एप्पल, डेट्स, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। 9 तरह के फ्रूट्स, मतलब आपको टोटल 9 तरह के फ्रूट्स हैं। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम लोग रोज़ नहीं खा पाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो अगर ब्रेकफास्ट में आप ये ऐड कर लेते हो। कोने तक तो मैं लेके जा चुकी इसको, होपफुली बाहर निकल गया। इट्स टाइम टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। आज बनेगी भिंडी, तो मेरी भिंडी वॉश करके रख दी है। आम की गुठली मिली और देखो मुझे क्या मिला, जुड़वा भिंडी गीता और गीता। भिंडी कट गए हैं, मैं भिंडी कट करके आई हूँ जो कि दिन में आज लंच में बन रही है, तो भिंडी और रोटी बनेगी। आपको इसके बारे में भी बताना था, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं इस क्रीम को यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसके जो बेनिफिट हैं वो बता दूँ। तो अगर आपको ख़रीदनी होगी तो आप भी ख़रीद सकते हो, मतलब जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं उसको आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा कोई प्रोडक्ट तो। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो देन दैट इज़ टोटली फाइन, बस ये है कि मुझे शेयर करना है आपसे। तो गाइज मैं बेसिकली आपसे ये माई ग्लैम का प्रोडक्ट शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये वाली जो क्रीम है वो मैं भी यूज़ करती हूँ, और मुझे यूज़ करते हुए इसको हो गया है लगभग 6 मंथ। तो एक ये इसका पैक है जो कि मैंने अभी मंगाया है अमेज़ॉन से, और एक ये है जो कि ख़त्म हो चुका है, जो मैं यूज़ कर रही थी, ऑलमोस्ट मेरी 6 मंथ चल गई थी ये वाली क्रीम, और काफ़ी अच्छी है, ग्लोइंग इफेक्ट देती है आपकी स्किन को। और अगर आपको ख़रीदनी हो तो अमेज़ॉन का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी, आप ले सकते हो। इसकी पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है ना, मतलब बिल्कुल लग्जरी, मतलब बहुत ही लग्जरी इन्होंने दी है, माई ग्लैम ने दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। गाइस ये 2 बॉक्स हैं जो कि ये मैंने अभी लिया है, और ये पहले वाला है, तो इसका मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये पूरी फिनिश हो चुकी है, मुझे सबसे अच्छी इस क्रीम में जो 2 चीज़ें लगी है ना, वो है पहली चीज़ इसकी बॉटल, ये देखो कितनी प्यारी है। एक तो मुझे इसकी जो बॉटल है वो बहुत अच्छी लगी, और दूसरी इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इस क्रीम को लगाने के बाद जो फ्रेग्रेंस आती है दैट इज़ अमेजिंग, मतलब आपको बहुत पसंद आएगी, अगर आप बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो। यूज़ करके ख़त्म भी कर लिए पूरी फिनिश, और मुझे इतनी अच्छी लगी यूज़ करने के बाद कि मैंने सोचा कि मैं एक और मंगा लेती हूँ, और मैं कंटिन्यू इसी को यूज़ करूँगी। जैसे नॉर्मल मुझे इधर उधर बाहर निकलना है, मुझे मेकअप नहीं करना, और जस्ट मुझे एक क्रीम चाहिए जो कि मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट दे अपने स्किन के लिए, तो मैंने सोचा कि इससे बेटर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। और ये है इसका दूसरा बॉक्स जो कि मैंने अभी मंगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका कलर, इसकी बॉटल, और जितनी अच्छी आपको ये बॉटल देखते में लग रही है ना, उतनी अच्छी आपको इसकी फ्रेग्रेंस लगेगी, ट्रस्ट मी। सी और इसकी खुशबू एक नंबर, सोच रही हूँ आपसे बात ही कर रही हूँ तो मैं लगा भी लूँ, मैं भी नहा के आई हूँ और मैंने कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया अपनी स्किन पे। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, बहुत ही अमेजिंग। ये थोड़ी सी कॉस्टली जरूर है, 600 समथिंग की है, ये 6 मंथ तक चल जाएगी आराम से, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले ले ली थी और 6 मंथ हो गया मुझे यूज़ करते करते, तो मेरी आराम से 6 मंथ चल गई थी, और मैं थोड़ी सी कंजूसी से भी इसको चला रही थी क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है, तो मैंने सोचा कि चलो कम कम लगा के यूज़ हो कर लेते हैं, तो मेरी चल गई थी। तो मैं इसको कर देती हूँ पैक, तो
गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इसका, आप वहां से परचेज कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी खरीदना होगा देन इट इज़ टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। बस मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।